कैसे किंग मेकर की भूमिका में आएंगे आप? पूजा जी, पहले बहुत विनम्रता से आपको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूँ कि अभय सिंह चौटाला ये ने कभी नहीं कहा कि हम किंग मेकर होंगे। उन्होंने कहा कि हम किंग होंगे, हम मेकर नहीं बनते। अच्छा, ना हम कभी मंत्री पद स्वीकारते हैं। किसी को सरकार बनानी होगी तो हमारे साथ लग करके सरकार बनाएंगे। और रही बात एग्जिट पोल की, देखिए आपके दोनों संवाददाताओं ने और खासकर से राजीव जी बहुत एक्सटेंसिवली हरियाणा प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया भी कि भाई चैनलों ने पहले कैसे एग्जिट पोल किया तो इस बार वो खतरा मोल नहीं लिया। चलो इस बार भी एग्जिट पोल्स आए हैं। मैं सीधा सीधा इस बात पर आता हूं कि कहां पर कैलकुलेशन में गलती हो रही है एग्जिट पोल्स की, और ये एग्जैक्ट पोल्स नहीं है। देखिए जो अनुमान एग्जिट पोल आराम से ये लगा रहे हैं कि दलित प्लस जाट वोटर सीधा सीधा कांग्रेस के पक्ष में जा चुका है, तो वो ये उसको काउंट करना भूल गए कि राहुल गांधी जी ने जो बयान विदेश में जाकर के दिया कि हम सरकार बनते ही आरक्षण को खत्म करते। और उससे बड़ी बात जो हरियाणा प्रदेश के अंदर दलितों की जो सबसे बड़ी देश की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और किसानों की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल, और किसान आंदोलन में केवल इंडियन नेशनल लोकदल का ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। एकमात्र विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया किसानों के हक में पूरे देश के अंदर, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई। उन दोनों का गठबंधन, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि जो रिपोर्ट हमारे पास है और जो जनता का भरपूर प्यार और समर्थन हमें मिला जिस प्रकार से वोटिंग हुई, वो ठीक है हम लोकसभा में दोनों पार्टियां अलग थी, कोई ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हम नहीं ले पाए, लेकिन विधानसभा में बिल्कुल इसके उलट हुआ और बहुत ज्यादा जन समर्थन हमें मिला, गठबंधन के प्रत्याशियों को मिला। बहुत खूब आपके टीवी चैनलों ने दिखाया पूरे हरियाणा में। एक और बात दावे के साथ कह दूं कि पूरे हरियाणा चुनावी कैंपेन के अंदर जितनी भी चुनावी रैलियां हुई हैं, अगर हमसे बड़ी रैली भीड़ के मामले में किसी पार्टी ने भी करी हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तो आप के कैमरे की रिकॉर्डिंग्स अभी भी आपके पास मौजूद होंगी, आप दिखा सकते हैं जनता को। सबसे ज्यादा भीड़ और समर्थन जो मिला आया वो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के गठबंधन को आया। और हम ये दावा नहीं कर रहे कि हम तो क्लीन स्वीप करेंगे, लेकिन हाँ 25 से 30 सीटों के बीच में हमारी बहुत उम्मीद है, बहुत मजबूती से जो समर्थन हमें मिला हुआ है और वहां पर हम जीत करके आए हैं। और इसी को लेकर के मैंने आपको बताया कि यहाँ एक मिसकैलकुलेशन जो एग्जिट पोल्स के अंदर हो रही है वो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, वो बड़े आसानी से उन्होंने फिर से अनुमान लगा दिया। गड़बड़ थोड़ी सी नहीं है ना, बहुत ज्यादा दिख रही है। 2 से 5 सीटों पर आपको बढ़त, आप सीधा 25 से 30 का आप दावा कर रहे हैं, कुछ एक हाथ सीट का फर्क नहीं है ना। मैं पूजा जी एक और चीज, मैंने बताया कि ये एग्जिट पोल्स में मैं तो खामियां बता रहा हूँ। हाँ। और मैं एक और चीज दावे के साथ आपको बता देता हूँ इस एग्जिट पोल की। राजीव रंजन जी यहाँ बैठे हैं, आप किसी का भी एग्जिट पोल आपने उठाया उनसे अगर आप ये डाटा लेंगे साथ साथ कौन सी सीट काउंट की आपने, क्या आप 50 सीटें कांग्रेस की बता दें, सीट के नाम नहीं हुए एग्जिट पोल वाले बता सकते। ये सभी एग्जिट पोल्स जो हैं केवल एक दूसरे को सुनकर के पत्रकारों की रिपोर्ट, और हरियाणा ने जो अतीत के अंदर अगर आप हरियाणा का डाटा उठाएं, हरियाणा के चुनावों का इतिहास उठाएं, 2009 के अंदर भी हमने लोकसभा सीट एक भी नहीं जीती और कांग्रेस की 10 की 10 लोकसभा सीटें थी, 9 कांग्रेस की और 1 हरियाणा जनित कांग्रेस की। और 3 महीने बाद ठीक इसी तरह हरियाणा के चुनाव हुए थे, उसके अंदर भी एग्जिट पोल्स हमें कुछ भी सीट्स नहीं दिखा रहे थे, केवल 10 से 12 सीट दिखा रहे थे, क्योंकि 2004-05 के अंदर हमने 9 सीटें जीती थी, लेकिन आई 32 सीट। और मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये और दावे से बता सकता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने रोहतक निवास डी पार्क से 2009 के काउंटिंग वाले दिन विजय जुलूस शुरू कर दिया था 12:01, लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ती गई और कांग्रेस अल्पमत में आई तो उनको वो विजय जुलूस रास्ते में ही छोड़ करके दिल्ली भागना पड़ा था, और 4 दिन तक के लिए वहां पर हरियाणा प्रदेश में सीआरपीएफ बैठ गई थी और उस पर उसमें हरियाणा जनित कांग्रेस की पार्टी को पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। तो ये एग्जिट पोल्स कोई एक बार नहीं है कि गलत होने जा रहे, 2019 में आपके सामने इनेलो तब साथ में थी ना, जब से आपके पार्टी में टूट हुई है, जेजेपी अलग बनी है, तब से उसका नुकसान आपको लगातार देखना पड़ रहा है। 2014 में आप दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी हरियाणा की। मैं पूजा जी मैं वही तो बता रहा हूँ ना, केवल एक 2019 का अपवाद है कि जहां पर वो भी आपने कारण बता दिया कि हमारी पार्टी में टूट।
फिर 2024 का लोकसभा चुनाव। आज तो हालात आपके सामने हैं। जिन लोगों ने पार्टी में टूट की थी, जिस प्रकार से जो लोगों को भ्रमित करके कि ताऊ देवीलाल के नाम पर अब कुछ वोट बांट ले गए थे, आज उनकी हालात तो आपके सामने है। और वो सारा का सारा वोट बैंक वापस इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और सभी कार्यकर्ता, हम तो ग्राउंड जमीनी स्तर पे देखते हैं कि जो कार्यकर्ता कुछ भूले भटके किसी बहकावे में आकर के चले गए। आदिल खान